बिना दहेज लिए दो जोड़ों का हुआ जयपुर के राजपूत सभा भवन में निकाह। कुरेश अल निकाह मिन सुन्नती कमेटी अब तक 31 शादियां बिना दहेज के करा चुकी है। कमेटी का सपना है कि समाज से दहेज प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जाए, बस उन्नत तरीके से निकाह की रस्म अदा की जाए। धीरे धीरे कमेटी पुरजोर कोशिश करेगी कि फिजूल खर्ची कम से कम की जाए। दोनों जोड़ों की शादी में कमेटी के सभी मेंबर आन शरीफ हुए और मीडिया से रूबरू होते हुए जानकारी दी गई कि किस तरह से कमेटी काम करती है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि गुलाबपुरा से हमारे साले साहब के दो बच्चे साकिर और सब्बीर की शादी के लिए हम जयपुर आए हैं और दोनों का यहाँ निकाह बगैर दहेज के हमारे ग्रुप अल निकाह मिन सुन्नती के तहत होने जा रहा है और मैं तमाम मीडिया कर्मियों को इसकी मुबारकबाद देता हूं कि आप इस तरीके से हमारी इस मुहिम को कामयाबी की तरफ लेके चलें। हमारा अलीमुद्दीन साहब जयपुर वालों का बड़ा अहम रोल रहा है यहाँ की सारे जिम्मेदारी निभाने का। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ, जयपुर की पूरी टीम का खैर मकदम करता हूँ और मैं हमेशा चाहूँगा कि इस तरीके से निकाह होते रहें। पिछले महीने भी हमने मई के महीने में 29 निकाह बगैर दहेज के कराए हैं, जो हमारी कुरेश अल निकाह मिन सुन्नती के तर्ज अमल पर कराए हैं। मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, मेरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और तमाम मीडिया कर्मियों को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ और आपसे हमेशा हेल्प की उम्मीद रखता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम शुक्रगुजार, मशकूर और ममनून हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं उन बच्चे बच्चियों और उनके वालदेन को, लवायकीन को और पूरी कौम कुरेश को कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक इतनी अच्छी शुरुआत है कि नबी की सुन्नत को नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि आपने कहा कि निकाह को इतना आसान बना दो कि जिना महंगा हो जाए और वो शादी सक्सेस है, वो सबसे कामयाब शादी है जिसमें कम से कम खर्चा हो। मैं दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर किसी दहेज के लेन देन के ये निकाह नबी के बताए हुए सुन्नत के तरीके से हुआ। इसके लिए काबिल तारीफ़ है दूल्हा दुल्हन और उनके वालदेन और कौम कुरेश और दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह ताला इनसे होने वाली नस्लें नेक नस्लें होंगी इंशाल्लाह और कौम मिल्लत और मुल्क के लिए काम करने वाले होंगे। और मैं मीडिया का भी शुक्रगुजार, मशकूर और ममनून हूँ कि ये जो अच्छी चीज़ है इसे जितना हो सके आप आवाम तक पहुँचाएँ और बताएँ कि जो शादी जो जितनी आसानी से करने के लिए कहा गया हमने इसको मुश्किल कर लिया है। शादी के लिए आदमी मकरूज़ हो जाता है, हत्ता कि बच्ची जिस दिन पैदा होती है उसके घर में एक बक्सा रख लिया जाता है और उसका जहेज जमा किया जाता है। आप बताइए किस कदर तकलीफ़, जबकि होना ये चाहिए कि हमें वो अखराजात उसकी तालीम पर, उसकी तरबियत पर और उसकी सेहत पर खर्च करना चाहिए। मैं फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह हमारे इस अजीम मुल्क हिंदुस्तान में मज़हब इस्लाम को मानने वाले नहीं बल्कि हम वतन लोग हर मज़हब को मानने वाले इस अच्छाई को अपनाएंगे और नबी का फरमान है जहाँ से जो चीज़ अच्छी मिले उसे अपना लो। बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ बुलाया, उसके लिए हम मशकूर और ममनून हैं। और जो बारात आई हैं हम कहीं किसी भी तरह के कोई इंतज़ाम में कोई कमी हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।